लो रच दिया इतिहास। इसरो ने एक बार फिर से वो कर दिखाया जिसे देखकर सारी दुनिया के होश उड़ गए, क्योंकि आज ही के दिन यानी 7 अगस्त को इसरो ने अपने सबसे लेटेस्ट एंड सस्ते रॉकेट को लॉन्च कर दिया है। और इसरो की ये लॉन्चिंग बिल्कुल सफल रही, क्योंकि इसी के साथ भारत अब इंटरनेशनल मार्केट में मिनी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए पहला दावेदार बन गया। और इसरो ने इस रॉकेट की लॉन्चिंग भी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 1 से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। और इसरो के इस शानदार रॉकेट का नाम SSLV है, यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसरो ने अपने इस पहले रॉकेट की लॉन्चिंग में 2 सैटेलाइट को स्पेस में भेजा है। पहली EOS-02 जो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो रात के अंधेरे में भी अर्थ को ऑब्जर्व कर सकती है। दूसरी आजादी सैट जो एक किड्स सैटेलाइट है जिसे स्कूल की 750 छात्राओं ने मिलकर बनाया है। और इसरो के SSLV रॉकेट ने एक शानदार काम किया और इसकी लॉन्चिंग भी सफल रही। और रॉकेट ने सही तरीके से काम करते हुए दोनों सैटेलाइट्स को उनकी निर्धारित कक्षाओं में पहुंचा दिया। और इसके बाद ये रॉकेट इन सैटेलाइट से अलग हो गया। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ी सैड ये है कि जैसे ये रॉकेट इस सैटेलाइट से अलग हुआ उसके बाद सैटेलाइट से डेटा मिलना बंद हो गया। लेकिन इसके बाद इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा है कि इसरो मिशन कंट्रोल सेंटर लगातार डेटा लिंक हासिल करने का प्रयास कर रहा है। हम जैसे ही लिंक स्थापित कर लेंगे इसके बाद सारी दुनिया को बता देंगे कि हमने इतिहास रच दिया। अगर EOS-02 सैटेलाइट की बात करें तो ये 10 महीने के लिए स्पेस में काम करेगा और इसका वजन करीब 142 किलोग्राम है। इसमें मिड और लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड कैमरा लगा है जिसका रेजोल्यूशन 6 मीटर है, यानी ये रात में भी निगरानी कर सकता है। वहीं अगर आजादी सैटेलाइट की बात करें तो आजादी सैटेलाइट स्पेस किड्स इंडिया नाम की देसी निजी स्पेस एजेंसी का स्टूडेंट सैटेलाइट है। अगर हम PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से SSLV रॉकेट की कंपेयर करें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 44 मीटर लंबा है और इसका डायमीटर 2.8 मीटर का है। वहीं SSLV रॉकेट की लंबाई 34 मीटर है और इसका डायमीटर 2 मीटर का है। PSLV में 4 स्टेज हैं जबकि SSLV में 3 ही स्टेज हैं। PSLV का वजन करीब 320 टन है जबकि SSLV का 120 टन है। PSLV में 1750 किलोग्राम वजन के पेलोड को 600 किलोमीटर तक पहुंचाया जा सकता है जबकि SSLV 10 से 500 किलो के पेलोड्स को 500 किलोमीटर तक पहुंचा सकता है। SSLV 60 दिन में बन के तैयार होता है जबकि SSLV सिर्फ 72 घंटे में तैयार हो जाता है। और इसी लॉन्चिंग के साथ भारत के SSLV की इंटरनेशनल लेवल पर भी धाक जम गई। तो इसरो की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना।